tenir per tal, preparem, anem. Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, सब लोग मजे में होंगे, अपने घर में होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे. लॉकडाउन है थोड़ा बहुत, बाहर आपको पता है थोड़ा सही नहीं चल रहा हिसाब किताब, तो अपना अपना ख्याल रखिए, अंदर रहिए, कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. तो आज का ब्लॉग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. आज हम कुछ अच्छी अच्छी डिशेज बना रहे हैं. मैं नहीं बना रहा, मैं तो सब खाऊंगा, मेरी सिस्टर बना रही है, तो चल के देखते हैं वो क्या बना रही है. पिछले लॉकडाउन में वो फॉर्म में आई थी, इस बार लॉकडाउन में वो फिर से फॉर्म में आ गई है, तो आज देखते हैं वो क्या बना रही है. तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी चल रही है, आज चाइनीज़ बन रहा है और हमारी जो शेफ़ हैं वो लगी बड़ी हैं, कोरियन शेफ जो अपने आप को कोरियन समझती हैं. तो क्या बन रहा है बताइए. चिली पनीर विद बेल पेपर एंड अनियन. तो नाम से ही बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, चिली पनीर विद बेल पेपर एंड अनियन. बहुत बार खाया हुआ, आज घर में भी खाएंगे. ये बहुत अच्छा खाना बना दिया, स्पेशली स्वीट डिश. स्वीट डिश में तो एक्सपर्ट है. आप देखो यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा पनीर वनीर जो है ना उसको फ्राई कर लिया गया, और इसके बाद अब जो है तैयारी स्टार्ट. ये कॉर्न स्टार्च है ना? हाँ, पूरा भाई साहब एक्सपर्ट लेवल. एज यूजुअल यहाँ पे सीरियल चल रहा है जो कि मम्मी का फेवरेट है, और समझ नहीं आता क्यों. ये कौन सा है? ये इमली. इमली चल रहा है, इमली रेस्टोरेंट तो सुना है, मैंने पहली बार सीरियल भी देखा है. पूरा दिन भाई साहब स्टार प्लस चलता है, हिम्मत है. और स्टोरी भी बताते हैं फिर हमें, मेरे को और पापा को स्टोरी भी बताते हैं. ये ना लड़का होता है, इसने गांव में ना इससे शादी कर ली होती है, ठीक है, ये उसको छोड़ के आ जाता है. फिर ये फिर यहाँ पे इनके घर की नौकरानी होती है, और यहाँ आके वो दूसरी शादी भी कर लेता है ना, ऐसे ही है. ये सीरियल नहीं देखती थी, हालांकि अभी भी नहीं देखती, लेकिन मम्मी इसको सारी स्टोरी बताती रहती है. मम्मी पापा को भी स्टोरी बताती रहती है सारी की सारी. पापा को भी पता चल गया उस स्टोरी का, इस नाटक में क्या होना है, उस नाटक में क्या होना है. इसके बाद दो तीन और सीरियल्स आएंगे ना, उसकी भी सारी स्टोरी. पूरा दिन स्टार प्लस लगा रहता है, कभी कलर्स लगा रहता है. हम तो नेटफ्लिक्स वाले बंदे हैं भाई. लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या करें हैं. लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही है, या लीडो खेलनी है या टीवी देखना है. तो भैया शेफ लग चुके हैं अपना. सारे घर में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड दीपिका है चाइनीज़ खाने के लिए. वैसे खाने के मामले में वो बहुत एक्साइटेड रहती है, आज तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चाइनीज़ बन रहा है. वैसे बताओ दीपिका जी. मेरे को चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है, और शादी चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती है. वैसे तो सभी अच्छा बनाती है, चाइनीज़ अच्छा बहुत अच्छा. तो मेरे लिए तो आज पार्टी है, पार्टी नाइट. सारा खा जाओगे आज? कोशिश तो पूरी है. तो चिली पनीर अपना रेडी हो रहा है, मोस्टली जो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और अभी तो ग्रेवी थोड़ी बहुत गाढ़ी होगी. हमारी शेफ लगी पड़ी है, ये शेफ को सिर्फ दो ही काम आते हैं, पबजी खेलना और खाना बनाना. मतलब बैलेंस देख रहे हो आप, है ना? सब आता है. आइसक्रीम भी तो है, थोड़ी सी पड़ी है. आइसक्रीम भी बनाई थी एकदम बेल्जियम चॉकलेट वाली, ज़बरदस्त मज़ा आया था खा के. अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा गला वाला यू नो ख़राब वराब हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया थी आइसक्रीम, मज़ा आ गया था. वाटर मेलन, इसको ठंडा करके खाओ ना भाई साहब, खाने के बाद मज़ा आ जाता. ओ ये तो लाल निकला है, बस मीठा निकल जाए. और गर्मियों में तो मुझे पता है बहुत लोग खाते हैं, आप लोग भी मुझे पता खाते ही होंगे, कमेंट करके बताओ. और दीपिका का तो वैसे ही फेवरेट है. अभी इसको काटेंगे, मस्त ठंडा करेंगे और खाएंगे. ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये तो मेरा है, शेफ बना रहा हूँ अपना वहाँ चिली पनीर वनीर वगैरह, लेकिन फ्रूट्स वाला जो डिपार्टमेंट है वो मेरा है. दिख रहे हैं? हाँ सुन, देखिए गोभी के अंदर बड़े सारे कीड़े हैं, बहुत ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का, बॉयल करके खानी चाहिए, क्योंकि गोभी वाला जो कीड़ा होता है ना वो भाई साहब हेल्थ के लिए
बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और दीपिका ने ढूंढ के निकाल लिया एक में ही तीन चार। तो दोस्तों पूरा ब्लेंडर तैयार हो चुका है, चिली पनीर और नूडल्स। हेल्प करनी पड़ेगी यार, हाका नूडल्स बोल के चाउमीन खिला दी, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सो दोस्तों खाना पीना खा के पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, बड़ा मज़ा आया। फैमिली के साथ जब मिलके सारे बैठ के खाना खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो वाकई बड़ा मज़ा आता है। और आज का व्लॉग थोड़ा छोटा बनाया, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं इसको लाइक करो, शेयर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, लाल बटन दबाए और सब्सक्राइब करो। लाल बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो। मैंने देखा है कि जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो भी देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्दी हम अपने अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक पे। मैं सोच रहा हूँ कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, देखते हैं अगले ब्लॉग में अगर हो सका तो वो ट्राई जरूर करूँगा। गुड नाइट।